हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताएंगे आप बैंक ऑफ बड़ौदा या बड़ौदा यूपी बैंक का बीसी पॉइंट चलाते हैं तो उसमें एक फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ गया है। तो उस फोटो को हम कैसे अपलोड करेंगे, किस ऐप से अपलोड करेंगे, किस ऐप से फ़ोटो खींचेंगे कि पूरा उसमें जो डिटेल मांग रहा है वो चीज़ें आए। तो यहाँ पर देखिए, हम अपने लॉगिन वाले ऑप्शन पर आ जाते हैं। तो लॉगिन करते हैं तो देखिए फिंगर हमारा लग जाता है। फिंगर लगने के बाद आप देखेंगे तो वहाँ पर फ़ोटो अपलोड करने का ऑप्शन खुल जाएगा। तो देखिए हम लॉगिन करते हैं, फिंगर अपना कैप्चर करते हैं। फिंगर कैप्चर करते ही आपका जो है देखिए वैलिडेट सक्सेसफुली ऑप्शन आ गया है। उसके बाद देखेंगे, देखिए यहाँ पे फोटो अपलोड करने का ऑप्शन आ गया। इसमें क्राइटेरिया क्या क्या है इसको अच्छे से हम पढ़ लेंगे। इसमें जो आपको फ़ोटो अपलोड करनी है 200 KB से ऊपर नहीं होनी चाहिए आपकी। और इस फोटो को आप व्हाट्सएप या किसी जरिए से यहाँ नहीं मंगाएंगे, इसको आप OTG केबल या ईमेल से मंगा करके ही अपलोड करिए तो बेटर पड़ेगा आप लोगों को। तो यहाँ पे देखिए हम फोटो खींचने के लिए ऐप आपको बताएंगे, वो ऐप डाउनलोड करके उससे आप अपने आउटलेट का फ़ोटो खींचिए। उसके बाद यहाँ पे आप उसको अपलोड करिएगा तो हम आपको बताएंगे ऐप। देखिए सबसे पहले देखिए प्ले स्टोर पर हम अपने चले जाते हैं। प्ले स्टोर में सर्च करेंगे जीपीएस मैप कैमरा। देखिए यहाँ पे जीपीएस कैमरा सर्च करते ही आपका पहला ऑप्शन पे आ जाएगा, जीपीएस मैप कैमरा का ऑप्शन ऐप आ जाएगा। इसको हम डाउनलोड कर लेंगे। इसको डाउनलोड करके इंस्टॉल करने के बाद इस ऐप से ही हम अपना फ़ोटो खींचेंगे। तो देखिए ऐप हमारा जो डाउनलोड हो चुका है, इसको हम ओपन कर लेते हैं। ओपन करने के बाद देखिए इसमें जो भी परमिशन इसमें मांगेगा उस परमिशन को हम दे देंगे, इसमें सभी चीज़ें ग्रांट कर देंगे। यहाँ पे देखिए यहाँ पे आप इसको नेक्स्ट करते जाएंगे। नेक्स्ट करते ही आपको नीचे की तरफ आने के बाद आपका कैमरा जो ओपन हो जाएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे सभी चीज़ें डिटेल यहाँ पे दे रहा है, आप किस लोकेशन पे हैं, इसको फ़ोटो खींच करके आप इसको अपलोड करेंगे। देखिए हमारा जो फ़ोटो है यहाँ पर हमने OTG केबल के मदद से अपने डेस्कटॉप में ला दिया है। उसके बाद ये फ़ोटो हमारा जो साइज़ है 1.91 MB का है। इसको हम पेंट में ओपन करेंगे। पेंट में ओपन करने के बाद यहाँ पे देखिए रिसाइज का ऑप्शन आ जाता है आप लोगों को, या Ctrl+W दबाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे इसको हम 15 कर लेंगे। अगर आपका फ़ोटो जो है अगर 1.5 MB से ऊपर है तो आप इसको 15 करिएगा, अगर उससे नीचे है तो आप उसको 20 करके यहाँ पे सेव कर लेंगे फ़ोटो को। यहाँ पे फ़ोटो सेव करने के बाद फ़ोटो को इसी फ़ोटो को हम वहाँ पे अपलोड करेंगे। और अपलोड करने के बाद आप देखेंगे कि आपका आउटलेट जो है चालू हो चुका है, आईडी आपकी लॉगिन हो जाएगी। देखिए हमारा आईडी लॉगिन हो चुका है यहाँ पर। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना न